तो आप भी सोचिए कस्टमर जागिए कि अगर वो किसी का बेचा हुआ माल वापिस ले रहा है व्यापारी तो वो लेके क्या करेगा, दोबारा आपको भेजेगा, फिर से पैक करके दूसरे को देगा। तो ऑलरेडी आपको जो पुराना दिया गया है, पहले दिया है, वो किसी का आया हुआ ही दिया गया है। आप समझो जैसे लेगीज आपने देखी, जेगीज देखी, ये टेगीज है। टेगीज का मतलब है इसका पैंट और जेगीज के बीच का एक फॉर्मूला बनाया है जो इसमें पॉकेट है। देखिए फैब्रिक दोनों वाला है, क्योंकि आज के में घी बिकता है, असली घी 1200 रुपए है, राइट सर, नकली घी कितने का है, 500 रुपए में भी मिल जाता है, तो है वो एग्जैक्ट उसको क्या घी है, घी नहीं है, दोनों घी है, राइट राइट, ये जरूरी जानना। और सबसे बड़ी बात है सर, ये जंबो साइज है, मतलब किसी भी साइज में हो जाएगा, 44 की साइज तक किसी को भी हो जाएगा। इतनी वैरायटी आपको एक छत के नीचे नहीं मिलेगी। वीडियो आप लोग देखते हैं तो वीडियो में क्या देखते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वीडियो में क्या देखने आते हो? रेट बता दिया जी, इसका रेट 50 रुपए है, एग्री हो गए आप लोग? क्यों? मुझे पता है मैंने 50 बोला है, इसका रेट 50 है थोड़ी ना। आओ आपको कुछ बता दो सच्चाई। अगर आप लोग आज टाइम बिजनेस करने वाले हो ना, एक बात ध्यान रखना, चाहे आप वीडियो को लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम मुझे पड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप बिजनेस करने वाले हो ना, तो वीडियो को अभी 2 मिनट तक देख लो, 2 मिनट सिर्फ, आप सब समझ जाओगे मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। काम करने से पहले ना आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप ये पहचानो कि काम करोगे किसके साथ, ट्रस्ट जरूरी है, भरोसा पहचानो कि किससे काम करने वाले हो। माल मत देखो, माल तो कोई बता देगा क्या रेट का माल आपको मिलने वाला है। फिर बात करता हूँ मैं बिजनेस को शुरुआत करने की, अगर आपको नहीं पता कैसे काम करना होता ना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अब आपको मेरे लिए एक काम करना है, जो कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं हूँ अहमदाबाद में। अब सोचो मैं दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, कम से कम 1000 किलोमीटर का जो फासला है वो मैंने तय किया है, किसके लिए? आप लोगों के लिए। अब आपका एक फ़र्ज़ बनता है, फ़ोन उठाओ, कमेंट करो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करना बाद में, शेयर करना बाद में, बट अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर बताओ। मेरा देखो एक मोटिव होता है कि जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप अगर काम करने वाले हो तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि सामने वीडियो में चल क्या रहा है। एंटरटेन करने के लिए फिल्म थोड़ी चल रही है, बिजनेस के लिए इन्फॉर्मेशन चल रही है पूरी। लो काम करने से पहले ध्यान रखना कैसे काम करना है। इस कंपनी में आपको एग्जैक्ट बताऊंगा मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर कैसे पहचान सकते हो आप, और कैसे जो मार्केट में काम होता है। आपको ये देखना है कौन आपके साथ काम करने के लिए अच्छा है। मान लो मैं हूँ, मैं सबके लिए अच्छा हो सकता हूँ ज़रूरी नहीं है, और मैं सबके लिए बुरा हूँगा ये भी ज़रूरी नहीं है। देखना ये कि मेरे लिए कौन ज़रूरी है। तो जहाँ से आप काम करने वाले हैं आप पहले उसको देख सकते हो, उसको पहचान सकते हो। इसलिए वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ ना बहुत ही निचोड़ के आती है, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी वीडियो बनाता नहीं हूँ, देखता हूँ कि कंपनी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कैसे काम करेगी। उसके बाद कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, मतलब ऐसे भर दो कि जैसे पानी छलकता है ना बाल्टी से बाहर, ऐसे कमेंट बाहर गिरने चाहिए आप लोगों के। तो शॉप नेम रहेगी कल्याणी, मतलब जिसका कंपनी नेम है कल्याणी रहने वाला है, जो कि आप देखते ही देखो कल्याणी रहने वाली, जो कि रहेगी अहमदाबाद सफल 10 मार्केट फेज 2 डी ब्लॉक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो लोग आने वाले हैं, कपड़े की जन्मभूमि है ये, मतलब पूरा अहमदाबाद, ये तो सैंपल्स हैं, कपड़े की जन्मभूमि है अहमदाबाद, जहाँ पर लोग जाने जाते हैं कपड़े को बनाने के लिए, और जहाँ पर कपड़ा बनता है सस्ता वहीं होगा जहाँ उसकी जन्मभूमि होगी, ये बात आपको पता है। ऐसे ही आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, शेयर और लाइक सबसे एंड में करना जब आपको लगे वीडियो में दम है, हाँ किसी को भेजनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए, एक ही वीडियो में एक ही आइटम से अगर बात करूँ आपको 22 वैरायटी में दिखाने वाला हूँ आज इस कंपनी की, और कंपनी के बारे में जो लोग बोलते हैं कि सच और झूठ क्या होता है, मैं आज आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जेन्युइन काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग बिजनेस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको मैं खुद बता दूंगा कि कैसे आप लोग जो है काम कर सकते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त कल्याणी से हरीश भाई। नमस्ते सुमित भाई, आपका और आपके व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है कल्याणी टेक्सटाइल अहमदाबाद से। जी जी जी, कल्याणी टेक्सटाइल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के वेस्ट साइज में जी 500 मीटर पे स्थित है, सुमेल 10 कॉम्प्लेक्स है, 4th फ्लोर पे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे पूरा एड्रेस वगैरह, डिटेल्स, कॉलिंग नंबर और पूरा लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा सर। ओके, जैसे कि हमारी बात हुई थी जी, लास्ट टाइम शूट करेंगे, हम शायद शूट नहीं कर पाए थे, राइट सर, और मेरी आपसे मुलाकात होनी पाई जी, जी जी जी। तो पहले हमारी फोन बात हुई, सर आपका जो वर्क एरिया वो क्या रहने वाला जी, है जी, जी। हमारी बात हुई, देन मैं आपसे मिलने आया जी, जी। और अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक जेन्युइन कंटेंट, जिनको बिजनेस करना है, जो आज टाइम में फंस जाते हैं बिजनेस करते वक्त, मैं चाहूंगा कि उनके साथ वो कभी ना हो। जरूर सर, जरूर सर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार वैरायटी दिखाना स्टार्ट करें, एंड जो जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट होगी वो आप जरूर दें। 100% मैं बेस्ट ट्राई करूंगा भाई कि व्यूअर्स को प्रॉपर सच्चाई मालूम पड़े, सही हकीकत और सही चीज़ देखे,
ठीक है, उस तरह से मैं बताऊंगा। जी जी जी, थोड़ा इत्मीनान से बताएंगे ताकि कस्टमर को, व्यूअर्स को समझ पड़े सच्चाई है। हम लोग अहमदाबाद में बैठ के, सर ये अहमदाबाद एक टाइम मैनचेस्टर बोला जाता है, कपड़ों का हब है यहाँ पे जी, और 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स अवेलेबल है। जी जी जी, तो इतनी ज़्यादा लोग होने के बीच में मैं अगर किसी चीज़ में बोलूँगा कि मेरे से सस्ता कोई नहीं देगा, बराबर, तो वो अतिशयोक्ति हो जाती है। बट मैं कुछ चीज़ों में बोलूँगा कि मेरे से ये कोई नहीं पड़ेगा, आप उस पर गौर जरूर कीजिएगा। जी, हम लेगीज जेगीज प्लाजो पैंट कुर्ती, कुर्ती पैंट कुर्ती प्लाजो दुपट्टा शॉर्ट टॉप ये सब में डील करते हैं जी। बट आज का जो वीडियो होगा फुल वीडियो हम बॉटम वेयर मतलब लेगीज जेगीज प्लाजो पैंट पे फोकस करके बनाएंगे जी जी। और उसमें जितनी भी हमको जानकारी है इतने साल से जो हम बिजनेस करते हैं और जितनी हमारी जानकारी है वो हम आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे सर। जी जी जी, सर आइए पहले शुरुआत करते हैं लेगीज से जी। 68 रुपीज से लेगीज की शुरुआत होती है। ओके, विस्कोस कॉटन कपड़े पे आती है और ये जो है आप देख सकते हैं फैब्रिक एंड प्राइस टैग उसके ऊपर लगा रहेगा। इसमें ये कोई नहीं कि भाई आपको कुछ और बोलना है जी, प्राइस टैग आपके सामने है जी, 15 पीस का शायद ये 15 पीस 15। ओके, इस तरह की लेगीज में सुमित भाई 21 से 22 वैरायटी अवेलेबल लेगीज के अंदर, लेगीज के अंदर 22 वैरायटी लेगीज में मिल जाएगी आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे सस्ता कोई नहीं देगा, बट आपको ये बोलूंगा कि इतनी वैरायटी आपको एक छत के नीचे नहीं मिलेगी। तो चाहिए, ये जरूरी अब है। क्या फर्क है, विस्कोस में है, ये लाइकरा कपड़ा पे है, साटिन लाइकरा पे है, ठीक है। अब ये है 4-way, बहुत ही बढ़िया, ये भी 4-way है। अब आप बोलोगे कि दो 4-way क्यों रखा है। हाँ, ये समझ गया, दोनों हिसाब क्यों रखा है। दोनों 4-way इसलिए रखा हुआ है सर कि ये 160 GSM कपड़ा है। ओके, लेगीज का जो कपड़ा परचेज करते हैं, जब कच्चा कच्चा कपड़ा परचेज करते हैं तो उस वजन पे आता है। ओके, तो कोई भी चीज मतलब लेगीज की क्वालिटी आपको नापनी है तो उसके वजन से नाप सकते हैं, समझे। तो ये 160 GSM का कपड़ा है, ये 190 GSM का कपड़ा है, इसलिए दोनों के रेट में फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में लोग बोलते हैं GSM में हम सस्ता दे देंगे और वो माल ये वाले सही है, मतलब समझो कि अगर ये मैं नहीं रखता और ये रखता हूँ, कस्टमर मेरे पास आता है, मैंने यहाँ पे रेट लिखा हुआ है सर 124 रुपये एंकल का, 136 रुपया चूड़ीदार का। अब कस्टमर मेरे पास आया, बोलता है सर वहाँ पे एक्स वाई जेड जगह पे 111 में मिलता है। हाँ मिलता होगा, बट आप जब GSM तो चेक करो सर, उसमें मियानी लगी है कि नहीं वो तो चेक करो, उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो चेक करो, ये 14 इंच की लंबाई होती है, जहाँ पे चोरी हो सकती है वो 12 की लंबाई दे देंगे। उन कस्टमर व्यापारी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, मतलब हम जैसे जो भी है व्यापारी उनको हमारी जेब से कुछ नहीं देना है। अगर मैंने प्राइस कम किया है तो कहीं ना कहीं कटौती की है, ये सच्चाई में आपको बता रहा हूँ सर। तो मतलब आप कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि ये सोने की दो अंगूठियां हैं एग्जैक्टली, जिसमें से हैं दोनों गोल्ड, दोनों गोल्ड है, बट ये 22 कैरेट है, ये 24 कैरेट है। अब बस ये फर्क हुआ कि ये जो है 5 ग्राम की इतनी अंगूठी है, यस, वो 10 ग्राम की इतनी अंगूठी है, वेट का फर्क है, वेट का फर्क है गोल्ड। ये तो यही चीज आपको मतलब कस्टमर को बतानी है, पता कस्टमर है। कहीं पे भी जाए, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पास आए। और ये जानकारी क्यों दे रहा हूँ सर, अगर कोई भी व्यूअर हमसे जुड़ता है और उसको इतनी जानकारी रहेगी, जब वो अपने कस्टमर को ये जानकारी देगा ना 100% रिटेल में वो कस्टमर माल वहां से लेके जाएगा, क्योंकि कस्टमर को समझ पड़ेगा कि इस व्यापारी को कुछ मालूम है। सच्चाई है, सच्चाई, ये बात तो जरूरी है जानना। इसके अलावा इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है सर। ओके, मतलब हर एक में आपको एंकल और चूड़ीदार मिल जाएगा। मतलब अगर मैं देख पाऊँ क्लोज से तो आप देख सकते हैं सिलाई जो की गई है ना, वो मतलब एकदम बारीकी से, मतलब पतले टाके की जो है सिलाई। और सबसे बड़ी बात है सर, ये जंबो साइज है, मतलब किसी भी साइज को फिट जाएगा, 44 की साइज तक किसी को भी हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी साइज अगर पहुंच जाए तो वो कोई भी एडजस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या साइज है, कितने कलर है, कहाँ से, अगर फ्री साइज लिखी तो फ्री साइज कहाँ से कहाँ तक की होगी, वो सब कुछ वहाँ पे लिखा गया है। ये जरूरी है जानना। ये देखिए, मतलब इसमें इस तरह काफी सारे वेरियंट जो है मिल जाते हैं, अलग अलग वराइटीज जो आपको मिल जाती है, लेकिन कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, वो सच्चाई यहाँ दिखती है। मान लो सस्ता हल्का माल लेना है तो वही वो जाएगा 100 से कम, अच्छी क्वालिटी का माल लेना है वो जाएगा 100 से प्लस, क्योंकि अगर लेगिंग आपको 250-300 बेचनी है तो एटलीस्ट अच्छी खरीदनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि आज टाइम में घी बिकता है, असली घी 1200 रुपए है, राइट सर, नकली घी कितने का है, 500 रुपए में भी मिल जाता है, तो है वो एग्जैक्टली, ये घी नहीं है, दोनों घी है, राइट राइट, ये जरूरी जानना। उसके बाद शुरुआत होती है जेगीज में। ओके सुमित भाई, इसमें भी मैं गलत चीज नहीं बोलूंगा, जो चीज है फैक्ट बताऊंगा। जेगीज जितनी भी आज के मार्केट में बिक रही है उसमें से 90-95% जेगीज जो है वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मतलब चाइना या इंडोनेशिया थाईलैंड से बन के आ जाती है और ये यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। ओके, ट्रेड करते हैं मतलब, आई मीन, मतलब
वहां से कंटेनर टू कंटेनर मंगाते हैं और यहां से उसको बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन आपने एक बात मैं पूछना चाहूंगा अभी वीडियो के बीच में जी, आपने डायरेक्ट बोला कि मैं ट्रेड करता हूं जी, लोग बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये समझ नहीं आया मुझे सर आपको, मतलब ये सच्चाई है। अच्छा। मैं आपको पहले बोला वीडियो की शुरुआत में, अगर व्यूअर्स देखेंगे तो अहमदाबाद में 50,000 प्लस से ज्यादा मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है जी, बराबर। तो हाँ, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करना, एक इनहाउस करना, मतलब कच्चा माल लेना, उसको प्रोसेस करना, उसकी कटाई करना, सिलाई करना, एक ही रूफ के नीचे होए, उसको एक टाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरी टाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग है जो हम करते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे कारखाने वाले जुड़े हुए, जिनकी छोटी छोटी, किसी का प्रोसेसिंग हाउस है, किसी का सिलाई हाउस है, किसी का प्रेसिंग हाउस है, वो हमसे जुड़े हुए, वो हमारा जॉब वर्क करके हमारी प्रोडक्ट हमको दे देते हैं। तो हम इस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं। मतलब ये है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी, लेकिन वो बोलता नहीं है मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन आपने ये बात कैमरे बोल दी कि मैं, कोई मित्र भाई कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। अब ये क्यों बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ जी। सर जो व्यूअर्स है, जो दुकानदार है, जो छोटे छोटे जो 25,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख का माल अलग अलग जगह से हर महीने लेते हैं, बरोबर है सर, हम लोग एक ही जगह से हर महीने 20-25 लाख का कच्चा माल लेते हैं। जिनसे हम लेते ना, हम उनको पूछने नहीं जाते सर कि वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। हम दो चीज देखते हैं, हमको जो चाहिए वो क्वालिटी मिल रही है, हमको जो चाहिए उस प्राइस में मिल रहा है, फिर वो रिटेलर हो तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको क्वालिटी और प्राइस से जाना है। रेट हाथ में दोनों चीज, क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए वो, और रेट भी मेंशन होना चाहिए, हमको एक नंबर में काम करता है पक्का भी जाना चाहिए। टेक्निकली चीजें है सर, बट मैं ये देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को जो आप अभी आइटम देख रहे हैं, लोग कहने को बोल दें कि मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, लेकिन सर ने डायरेक्ट कैमरे बोल दिया कि उनका जो जो आइटम ट्रेडिंग है वो आइटम ट्रेडिंग की है जी, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपको बता दी। अगर आप वीडियो बना रहे हो जी, सच बोलो ना, दिक्कत क्या है? अब हो सकता है किसी को सच्चाई से परहेज एलर्जी हो। हाँ, सच बोलो, खत्म हुई बात। सर जेगीज में नुमैन आप जैसे बताया कि 95% तो इम्पोर्टेड होती है। हाँ हाँ। ये होममेड है, मतलब हमारी बनाई हुई है, हमारे जॉब वर्क से बनाई हुई है। क्यों? आप कहीं पे भी जाओ, प्लेन में इतनी चौड़ी, मतलब 44 की वेस्ट साइज को आ जाए, इतनी जेगीज आपको नहीं मिलेगी। ये बात तो है। ये टमेटकर है, ये भी अच्छा है, ये फ्रॉक के ऊपर भी पहना जा सकता है, शॉर्ट टॉप के ऊपर, मतलब पैंट की तरह, मतलब कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की पहचान उसके ब्रांड से ही होती है। एग्जैक्टली। कि कौन मैन्युफैक्चरिंग करता, कौन नहीं करता। राइट राइट राइट। ये काफी अच्छा लगा मुझे। जब लेगीज और जेगीज तो आपने सुना होगा, ये टेगीज है। ये टेगीज मतलब मैं खुद ही समझा। हाँ, जैसे लेगीज आपने देखी, जेगीज देखी, ये टेगीज है। टेगीज का मतलब है इसको पैंट और जेगीज के बीच का एक फॉर्मूला बनाया है, जो इसमें पॉकेट है, देखिए फैब्रिक दोनों वाला है, एकदम झाड़ा फैब्रिक है, ये एकदम नया फैब्रिक है, इंपोर्टेड फैब्रिक है, बाहर से इंपोर्ट करके बना, ला के मंगा के बना गया हुआ है। अच्छा। तो इसको टेगीज बोला जाता है। पैंट, कुर्ती पैंट, जो मतलब ये एक एक सब्जी की टोकरी में जैसे आलू होता है ना, ये उस तरह की प्रोडक्ट है सर। फैब्रिक भी अच्छा है और सिलाई भी अच्छी है, काफी बहुत बढ़िया। और ये अगर देखना चाहूँ, ये क्या रहने वाला है? प्लाजो। सर यहाँ से प्लाजो शुरुआत होगा। प्लाजो की जो शुरुआत होती है हमारी 101 रुपये से, प्लेन प्लाजो से शुरुआत होके शगुन के पैसे, मतलब 350 तक की ये वेरायटी है सर, पूरी की पूरी प्लाजो की वैरायटी देख लीजिए, इसमें आपको रेगुलर साइज, प्लस साइज सब मिल जाएगा। देखो मैं, मेरा कहना ये है कि सैंपल देख के ना किसी भी चीज़ के जो है उस पर बहक जाना अलग चीज़ है, बिजनेस करना अलग चीज़ है। आप लोग काम करने वाले हो, पैसा लगाने वाले हो, घर से बाहर निकलो, क्योंकि आपका जो है पैसा कीमती है, चीज़ें तो ये है, मेरा कहना तो वही है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप काम करने वाले हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार चीज़ें चेक करें, क्योंकि जो आप लगाने वाले हैं उसी पर आप कमाने वाले हैं, सीधी सी बात वही है। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो वैरायटीज अगर मिलती हैं कस्टमर को, इन सब में फैब्रिक का फर्क होता है, क्या क्या डिफरेंस आते हैं इसमें? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स अवेलेबल है सर, और हर एक चीज, मैंने जैसे आगे बोला कि जो कस्टमर व्हाट्सअप करेगा तो व्हाट्सअप पे उसको लिंक आएगी, लिंक में पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा कपड़ा यूज किया गया है, क्या साइज है, उसकी लेंथ क्या है, सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर कस्टमर को कोई चीज में ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट देखनी है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब कस्टमर घर बैठे अपना जो है पैसा बचाए और वीडियो कॉल पे जो हम माल देखे 100%। ये बहुत बढ़िया। जैसे ये सरारा है, सरारा की लेंथ देख लीजिए, काफी बड़ा है, ओनली 261 रुपीज पर पीस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रेट भी आपको रिजनेबली मिलेगा और क्वालिटी सुपर मिलेगी सर। जैसे ये जो पैंट है, ये फैब्रिक एकदम अलग टाइप का, इम्पोर्टेड फैब्रिक है। ओके, तो अब देखते हैं आप लोग की यहाँ पर जो है वैरायटी दिख रही है, क्योंकि पीस में और क्वालिटी है तो वो सामने दिख रही है कि भाई किस तरह का फैब्रिक जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है जी सर।
जी सर, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे मान लो अभी जो बिजनेस करने वाले हैं जिनको नहीं पता कि भाई कितने से काम शुरू होगा, क्योंकि आज टाइम में क्या है कि लोग बोलते हैं कि व्यापार इतने से शुरू हो जाएगा, एक्चुअल में जो अमाउंट है वो क्या रहता है? बहुत ही मतलब परफेक्ट क्वेश्चन सुमित भाई आपने पूछा है। बहुत सी वीडियो आपने देखे होगी व्यूअर्स, आइए 10,000 में व्यापार शुरू कीजिए, 15,000 नहीं बोलते हैं। मैं आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, कम से कम 50 वीडियो मिल जाएंगे कि 10,000 में व्यापार। सर 10,000 में व्यापार शुरू नहीं होता है, 10,000 में आपके कस्टमर का पैसा मेरे पास आएगा और मेरे माल उनके पास जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला, उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है। घर का राशन नहीं है 10,000 में सर। एग्जैक्टली हाँ, कैसे है? अगर आप सेगमेंट वाइज जाएंगे, अगर कस्टमर का फिक्स है कि मुझे 25,000 का ही बिजनेस करना है, तो 25,000 में एक सेगमेंट लो। 25,000 में वो कुर्तीज भी लेगा, बॉटम भी लेगा और शॉर्ट टॉप भी लेगा, तो उसमें क्या छोटा मतलब 10-10, 15-15 पीस आएंगे। फिर जब कस्टमर लेडीज कस्टमर जब मार्केट में लेती लेने जाती है ना, एक लेगीज उसने घर से फिक्स किया कि मुझे ब्लू कलर की लेगीज लेनी है ना, तब भी वो दुकानदार के पास जाके 40 लेगीज नहीं खुलवाएगी ना, तब तक लेगीज नहीं लेती। ये भी ठीक है, बराबर। तो जब तक आपके पास कलेक्शन नहीं रहेगा, माल बिकने वाला नहीं है। सच बात है, सत्य जाने, हकीकत जाने, ग्रास लेवल तक की चीज जाने कस्टमर, और पर्चे मैं तो मेरे से लेवे, कहीं से भी लेवे, बट ये चीज ध्यान में रखे कि अगर उनका बजट इन्वेस्टमेंट जो बजट है वो कम है, तो उतनी कम वैरायटी में काम शुरू करे, उतनी सेगमेंट में कम जाए, सब सेगमेंट में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा है ना कि मतलब आज टाइम में तो क्या हो गया है, बिजनेस करना बड़ा ईजी हो गया। कैसे कि अब आज टाइम में लिस्टिंग होती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, कस्टमर जो है उसको दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं है जी, वो लिस्टिंग करे, अपना माल बेचे, घर से बेच ले। भाई मान लो मैं आपको आइडिया बताऊं, दो सेट ले लो, आपकी वैरायटी जो बन गई जी, ऐसी ये जो आइटम आप देख रहे हैं ना जी, एक एक दो सेट इसके ले लो, आपका काम हो गया जी। लेकिन अगर कम पूंजी है तो कम माल लो ना। एग्जैक्टली कचरा मत उठा लो भाई, कचरा लेके जाओ तो बिकेगा ही नहीं, तुम्हारा माल वापस आएगा, पैसे लगेंगे, कोई फायदा नहीं है, ये जरूरी है। यही चीज पे सुमित भाई, कस्टमर आपसे तो पहली बार मेरा वीडियो बन रहा है, हम तो 2.5-3 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं जी। बहुत से कस्टमर आते हैं, वॉकिंग आते हैं या तो ऑनलाइन हमको पूछते हैं कि सर आप बिका हुआ माल, हम जो परचेज लेके जाएंगे वो माल आप वापस लोगे, दूसरे लोग लेते हैं। बहुत ही मतलब जानने वाली चीज है सुमित भाई। अच्छा हाँ, मैं मना कर देता हूँ क्योंकि हम नहीं करते कि एक बार माल आपने ले लिया कस्टमर ने मेरे से तो वो हम वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बेचना ही होता है। अगर कोई ले रहा है तो आप भी सोचिए, कस्टमर जागिए कि अगर वो किसी का बेचा हुआ माल वापस ले रहा है व्यापारी, तो वो लेके क्या करेगा? दोबारा आपको भेजेगा, फिर से पैक करके दूसरे को देगा। तो ऑलरेडी आपको जो पुराना दिया गया है, पहले दिया है, वो किसी का आया हुआ ही दिया गया है, आप समझो। हाँ, तो मतलब वही इसी में कहानी घूम रही है। अच्छा है कि प्रॉपर काम करे, सत्य के साथ काम करे, तब आपको समझ पड़ेगा। ये तो कपड़े की बात है, राशन का माल बेचने वाला जो है ना, वो जो शुगर लाता है ना, खांड लाता है, वो खांड का बोरा भी पूरा नहीं बिकता, जब उसमें 10 किलो बचेगी तो दूसरा बोरा लाके डालना पड़ता है। चाहिए इसी तरह से बिकता है, वो 10 किलो बचेगी तो वापस थोड़ी जाएगा कि मेरे को 10 किलो वापस दे दो और 50 किलो और दियो। सच बात है, जैसे कि मैं पढ़ूँ यहाँ पर ना, वैरायटी तो बहुत सारी हैं। आपके लिए मेन है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना कि आप लोग कहाँ से माल ले रहे हैं। वीडियो में रेट देखकर कभी बहकावे में आना तो चाहिए ही नहीं। अगर आप लोग बिजनेस करने वाले हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, हर चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। क्या होता है कि ये आपके लिए एक सेगमेंट है, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। वैरायटी तो चलो मान लो आपने खरीदी है, यहाँ पर जो है सर क्या 68 से 69 क्या 68 से लेगीज है, हाँ हाँ, और 101 से प्लाजो है। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं जैसे आपने बताया कि 22 तरह के फैब्रिक जो है वो लेगीज में आते हैं जी, और अगर बात करूँ पैंट और प्लाजो में मिला के कितने आते हैं इसमें? पैंट्स में कम से कम मेरे पास आज की डेट में ये जो लगी हुई है ये कम से कम 40 से 50 वेरायटी अवेलेबल है पैंट्स में। ओके, तो मतलब और प्लाजो अलग हो गया जी। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग काम करने वाले ना, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। काम करने से पहले ना आप ये देखें कि कैसे आप लोग जो है काम करने वाले हैं जी। जी जैसे सिगार पैंट एक जनरल प्रोडक्ट है। ओके, बराबर, कहीं किसी भी काउंटर पे सिगार पैंट बिकता है क्या? इसी का यही कपड़ा है और इसका धुला हुआ वॉश किया हुआ कपड़ा हुआ है। ये वॉश किया हुआ है, ये इतना चढ़ गया है, मतलब फैक्ट बता रहा हूँ सर। तो ये सिकुड़ गया? सिकुड़ गया है, कॉटन है, स्लब लाइक्रा बोला जाता है, ये सिकुड़ गया है। ये जनरल फैब्रिक में दम है लेकिन क्वालिटी में दम नहीं है। क्वालिटी में दम क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रेट उसी हिसाब से सर। ओके, पूरे मार्केट में जो माल बिक रहा है 175, 165, 180 के रेट में यही माल बिक रहा है, हम भी बेच रहे हैं जितना चाहिए, 1,000 पीस से ही कस्टमर को हम दे देंगे, बट हम बोल के बेचते हैं सर ये माल लेके जाओ, 2.5 इंच चढ़ जाएगा, बट और सिकुड़ जाएगा आपको सिकुड़ने वाला नहीं चाहिए, ये माल है सिकुड़ेगा भी नहीं भाई। ये और ये दोनों में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली सर, आमने सामने इसलिए चीज़ें रखी हुई है
ये रखने की वजह यही है सर कि दिखा पाए कस्टमर को कि सिर्फ रेट भी नहीं जावे, 175 का और 213 का अगर राइट फर्क है तो उसमें क्वालिटी का क्या फर्क है, वो दिखाने के लिए चीजें रखी हुई है सर। मतलब आज की वीडियो में ना मजा आया, क्योंकि देखो क्या होता है कस्टमर को ना, जो हम मेहनत करते हैं व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि वो देख क्या रहा है वीडियो में। एग्जैक्टली सर। और वरना क्या कि वीडियो में मैं बोल दूँ कुछ भी कि ये इतने का है वो इतने का है, ले जाओ उठा के ले जाओ, उसका माल बिक गया कस्टमर भाड़ में गया, कोई मतलब नहीं किसी को। ऐसे जरूर है ना, एक बार रोटेशन हुए ना, एक बार कस्टमर मेरे को पैसा दे दे मैं उनको माल दे दूँ, एक बार काम हुआ उसको बिजनेस नहीं बोलते, इसका रोटेशन कंटिन्यू होना चाहिए तब बिजनेस बोला जाता है। ठीक है सुमित भाई, थैंक यू आप आए, व्यूअर को भी थैंक यू और पूरा वीडियो देखा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा सर। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँ, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, होलसेल के लिए जो लोग आने वाले वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिंगल पीस के लिए आपको जो है नहीं आना, सेट वाइज आप लोग जो है माल ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के सभी को नमस्कार, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद व्लॉग्स ब्लास्टर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ अब शेयर करना जिन लोगों को सच्चाई और जानकारी मिल चुकी है। गुड बाय।